वहीं धर्मशाला की बात करते हैं। धर्मशाला में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के बीजेपी मंडल स्तरीय बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करी है, जहां उन्होंने विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए सीएम ने आभार भी जताया। इस दौरान सीएम ने साथ में नवनिर्वाचित सांसद किशन कपूर भी वहां पर देखने को मिले, उनके साथ मौजूद थे। सीएम जयराम ने इस दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि धर्मशाला विधानसभा के उपचुनाव में उसे ही उम्मीदवार बनाया जाएगा जो जमीनी स्तर से जुड़ा होगा। देखिए, आज तो बैठक हमने मंडल का धन्यवाद किया और मंडल को बधाई दी जो काम किया उनने इस लोकसभा के चुनाव में, और उसके बाद धर्मशाला में उपचुनाव आने वाले समय में संभावित है, उसके लिए हमने कहा कि उसके लिए भी तैयारी साथ में करना शुरू कर दें और बीच में हम फुर्सत में आएंगे जब विस्तार से योजना बना करके उनको देंगे, उसके बाद काम करेंगे। चर्चाओं में नाम भी बहुत सारे आ रहे हैं। नाम कई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो चर्चा वाले नाम नहीं होंगे, जो काम के नाम होंगे वो होंगे। थैंक यू। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।